सम्मानित शिक्षक साथियों, मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर इस प्रश्नोत्तरी को आपको 31 अक्टूबर 2021 के पहले कंप्लीट करनी है। गतिविधि 5 पर आधारित प्रश्नोत्तरी निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी मुख्य प्रश्नोत्तरी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो वन बाई वन आप मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 को कम्प्लीट कर लें समय रहते हुए। तो साथियों, ध्यान देते हैं। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 2 की गतिविधि 5 अपनी समझ की जांच करें उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी हैं जो आपको मॉड्यूल 2 में गतिविधि 3 और गतिविधि 5 करना अनिवार्य है। इसके पश्चात ही आप अंतिम भाग की प्रश्नोत्तरी देख पाएंगे। तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मुख्य प्रश्नोत्तरी भी आपको मिल जाएंगी और इसका देखते हैं। भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियाँ हैं? जब RTE एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार किया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एक सुगमकर्ता के रूप में की गई। दूसरा बिंदु है सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। RTE एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में यह अनिवार्य कर दिया गया। इसको ओपन करिए। यहाँ विकल्प 2 और 3, विकल्प 1, 3, 5, विकल्प 3, 4, 1, विकल्प 1 और 3, इनमें से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा विकल्प इसमें भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियाँ लागू होती हैं। तो यह साथियों, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में है विकल्प 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 को दूसरे ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो ये साथियों, इस गतिविधि में मात्र एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का हमने जवाब दिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, साथियों को शेयर करिएगा। साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।